Students, in this chapter we are discussing the operations on rational number. Chapter 2 है और हम यहाँ addition, subtraction, multiplication और division देखेंगे rational numbers का. इसके साथ में हमें कुछ properties भी ध्यान में रखनी होती है. First, जैसे हमारी closure property है, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी दो rational numbers को या तीन rational numbers को add, subtract, multiply या division कर रहे हैं तो जो हमारा answer होगा वो भी rational number होता है. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी है. इसके अंदर हमने एडिशन में देखा है कि अगर दो आप रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो और उसके बाद अगर आप उसका सीक्वेंस भी चेंज करते हो तो उसके आंसर में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता है. जो क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिविजन में हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पर तीन रैशनल नंबर्स को यूज़ किया है. अगर लास्ट टू रैशनल नंबर को ऐड करने के बाद हम फर्स्ट रैशनल नंबर के साथ उसको ऐड करते हैं या फर्स्ट टू रैशनल नंबर को ऐड करने के बाद में लास्ट रैशनल नंबर के सब साथ में अगर ऐड करते हैं तो तीन रैशनल नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. और ये प्रॉपर्टी भी हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिविजन में एप्लीकेबल नहीं होती है. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ज़ीरो ऐड करना. जैसे अगर हमारे पास में कोई रैशनल नंबर a अपॉन b है, उसके साथ में अगर हमने ज़ीरो ऐड कर दिया तो हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो भी कहते हैं. अगर आपने इस a अपॉन b में ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी आंसर आपका सेम रहेगा, a अपॉन b. इसको भी हम जो है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो कहते हैं. अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है. जब हम एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक रैशनल नंबर दे रखा है और उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो हम उसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आंसर आता है. इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं. तो जो हमारी इस पूरे चैप्टर के अंदर टोटल 6 एक्सरसाइज हैं, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2A, उसके अंदर सिर्फ हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही यूज़ करना है. तो हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं. तो हमने अपनी एक्सरसाइज जो है वो 2A स्टार्ट करी है. इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना है. 7 - 7/5 and 2/7. जिस तरीके से हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे हम उसमें एलसीएम लेकर ऐड करते हैं, सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी होती है. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एलसीएम है वो 35 हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा -49/35. और दूसरा जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/35. फिर नॉर्मल हमारा जो ऐसा एडिशन होता है कि 49/35 + 10/35. तो हमने इसको 35 एलसीएम लिया है तो ये -49 + 10 हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा -39/35, क्योंकि दो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे को उसको उसका जो है वो डिफरेंस लेना होता है. अब उसके बाद में जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो वेरिफिकेशन पे बेस्ड है कि हमें कैसे इसको वेरीफाई करना होता है. मतलब आपको LHS और RHS की वैल्यू दे रखी होगी और फिर आपको दोनों रिलेशंस को वेरीफाई करना है. तो हम इसके लिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग LHS और RHS को वेरीफाई करना होता है. जो क्वेश्चन नंबर 4A है उसके अंदर जो हमें रिलेशन दे रखा है वेरीफिकेशन का, उसमें आपको दे रखा है a+b+c = a+b+c. यानी कि हमें पहले a b को जोड़ना है और c की वैल्यू फिर लास्ट में ऐड करनी है. और a की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है -2/3, b की जो वैल्यू है वो 5/6 और c की जो वैल्यू है वो हमारी -5/8 है. तो हम सबसे पहले LHS लिख देंगे. LHS में आपको a+b+c दे रखा है, फिर आपने -2/3 किया, +5/6 किया, फिर यहाँ पर वैल्यू रखी -5/8. यहाँ पर हम LCM जो है वो 6 ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से -2 × 2 + 5 × 1, ब्रैकेट क्लोज करना है, +-5/8. इसको सॉल्व करेंगे, ये -4 + 5/6 और जो है वो -5/8 आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर 1/6 आ रहा है और प्लस माइनस माइनस होता है. फिर हम यहाँ पे वापस क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम हमारा 48 है. 8 × 1 = 8 एंड 6 × 5 = 30. तो ये हम उसके हिसाब से हमारा -22/48 हो गया. और अगर आप इसको जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो -11/24 आ गया. अब उसके बाद में आपको सेम
मेथड से आरएचएस को भी सॉल्व करना है, ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद ए की वैल्यू रखेंगे माइनस टू अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन सिक्स प्लस माइनस फाइव अपॉन एट। जैसा कि हमारे अंदर पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 48 होगा, और ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 6 5 जा 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू अपॉन थ्री प्लस 10 अपॉन 48। अब यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है, तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा 48 हो जाएगा, तो 3 को 48 से के लिए एलसीएम के लिए 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 10 × 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 32 प्लस 10 अपॉन 48 हुआ। इसको सॉल्व किया तो माइनस 22 अपॉन 48, और इसको भी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो माइनस 11 अपॉन 24। तो हम ये देखते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमारी सेम आ रही है एलएचएस आरएच की, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो जाता है। अब हम लोग एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसमें हमें कुछ अलग अलग जो है रैशनल नंबर्स दे रखे हैं जिसका एडिटिव इन्वर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लिया, उसके अंदर आपको माइनस 1/3 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। अगर माइनस 1/3 का एडिटिव इन्वर्स है तो हम इसको प्लस की वैल्यू लेनी होती है। सिमिलरली अगर आपको 18 दे रखा है प्लस का 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 18। फिर उसके बाद में हमें दूसरा, जैसे अगर माइनस 3/5 और माइनस 5 दे रखा है, इस कंडीशन में पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको पॉजिटिव वैल्यू बनाते हैं, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमेटर को, तो ये आ जाएगा आपका 3/5। अब आपको 3/5 का एडिटिव इन्वर्स लेना है, तो आपको पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। उस तरीके से हम एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट 6 और 7 सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी है, तो 6 और 7 में सब्ट्रैक्शन के लिए हमें 6 का मैंने ए पार्ट लिया है, उसके अंदर हमें बोला है कि 3/7 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 2/3 से। तो फ्रॉम 2/3 है, तो 2/3 पहले लिखेंगे और 3/7 बाद में लिखेंगे। इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 21, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/21। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर जो है 9 10 11 12 जो हैं, 13 हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें बोला है कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 2/3 और वन ऑफ नंबर इज -1/6। यानी कि आपको दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, उसमें एक रैशनल नंबर जो है -1/6 है, और जो रैशनल नंबर हमें नहीं पता है वो हमें x दे रखा है, और दूसरा जो है कि जो सम है वो आपको कितना दे रखा है, 2/3। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे तो -1/6 प्लस x इज इक्वल टू 2/3। फिर हम क्या करेंगे, इस -1/6 को हम उधर भेज देंगे, तो ट्रांसपोजिशन से जब हम उधर भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। और अगर आपको इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा 6 हो गया, तो ये 2 × 2 प्लस 1 × 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 + 1/6, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5/6। तो हमारा 5/6 इज़ द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, जो कि हमें पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा है, द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज 3/20, इसमें एक रैशनल नंबर दे रखा है और फाइंड द अदर। तो ये हमारा पैटर्न जो है सेम है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -7/12 टू गेट, ये भी हमारा एडिशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है कि फॉर्मेट इन्होंने चेंज कर दिया है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, इसमें लिखा है व्हाट शुड बी एडेड, तो हमें -7/12 में कुछ ऐड करना है, तो जो ऐड करना है उस नंबर को हमने एक्स सपोज किया है, और टू गेट हमें जो आंसर है वो कितना मिल रहा है, 24। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसपोजिशन से आप उसको वहाँ पर भेज दोगे, तो ये ट्रांसपोजिशन से वहाँ जाकर ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 1 + 7 × 2 क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो हमारे पास में जो है कि 1 + 14/24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/24। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/4 टू गेट द -1/4, तो एग्जैक्टली इसमें जो हमारा आंसर है वो सेम ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि
इस क्वेश्चन को हम लोग इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपको दे रखा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/20 टू गेट 3/4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा सब्ट्रैक्शन का बेस्ड है। तो नाउ वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने बोला है कि 3/20 में किसको सब्ट्रैक्ट करें। तो 3/20 आपने लिखा, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, एंड टू गेट यानी कि हमारा जो आंसर है वो 3/4 है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को तो हम इधर भेजेंगे और 3/4 को हम इधर लेके आएंगे। तो आपने 3/20 किया, -3/4 किया, तो ये हमारा एक्स आ जाएगा। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेन जो है हमारे को साफ नज़र आ रहा है, एलसीएम कितना है हमारा 20। तो इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो ये हो जाएगा 3-15/20 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -12/20 इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, या हम इसको डायरेक्टली जो है वो 4 से भी कर सकते हैं। तो उससे आंसर आ जाएगा -3/5 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पर हमने जो है बेसिकली जो है सब्ट्रैक्शन और सिर्फ एडिशन को डिस्कस किया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।